हम बात कर रहे हैं MMTC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली। लगातार गिरावट के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक किया 72 के लेवल से। हमने डिस्कस भी किया था कि 70 तक का फॉल दिखा सकता है, इसके आसपास से खेल पलट सकता है। 72 के लेवल से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया। उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था कि जहां पहले सपोर्ट लिया था 80 का लेवल, यहां तक का जम दिखा सकता है, इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 80 का लेवल। और देख सकते हो स्टॉक ने उसी के आसपास हमको क्लोजिंग दिखाई और लगातार बाइंग आते नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करना है 80 के लेवल को। 80 को ब्रेकआउट करके 82 तक का भी जंप स्टॉक दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक गिरावट में है इसीलिए इंतज़ार करेगा। हालांकि चांस बन रहे ब्रेकआउट के अपसाइड के, लेकिन सेफ एंट्री के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि स्टॉक रिजेक्शन ले जाता है तो अगेन 75 तक का फॉल दिखा सकता है। 75 सपोर्ट बनेगा, ब्रेक डाउन कर गया तो 72 और 70 तक की भी फिर गिरावट हो सकती है। अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन हो गया 80 के ऊपर, 80-82 के आसपास, तो फिर ये हमारे लिए अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा। फिर नेक्स्ट टारगेट 84 का लेवल, जहाँ से रिजेक्शन लिया था, और इसको ब्रेकआउट करके 90 तक का जम दिखा सकता है। फिर 90 इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। 90 के लेवल को ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है फिर और अपसाइड के लिए। तो यहाँ से आप 90 तक के टारगेट स्टॉक हमको दिखा सकता है, 90 तक का जंप स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।